हैं, इसको इस खूंटे में बांध देते हैं और हम लोग चलते हैं ऊपर। लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत ही ज़्यादा बदल रहा है वक्त के साथ, और कह सकते हैं कि अब जीवन कह के ले रही है हमारी। एनीवे, नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ एक खुफिया सी जगह पे, जहाँ पे मैं सीधा पहुँच के आपको बताता हूँ। पहले पीपल के पेड़ से काफ़ी ज़्यादा हम डरते थे, लेकिन ये एक ऐसा पेड़ होता है जो सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन भी देता है। अभी जिस प्लेस पे जा रहा हूँ मैं, वो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ तक रनिंग करके जाऊँगा और फाइनली वहाँ पे आपको मैं मिलता हूँ। तुमको बहुत पंचायत है कहाँ जा रहा हूँ। चलो बाइक पे दादे का। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं रनिंग करके जा रहा हूँ। चलो और मैं आपसे बात कर रहा था इसी जगह की, यहीं पे आना था। ये बहुत ही खूबसूरत सी है प्लेस। आज यहाँ पे काफ़ी सारी जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये मंदिर है हमारे पीछे, और अभी यहाँ से इसके नीचे की ओर जाते हैं। ये सारे पेड़ पे से गिरे हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल अभी इन सीढ़ियों के थ्रू हम यहाँ जा रहे हैं, और यहाँ पे एक छोटी सी कुआं है। ये कुआं एक्चुअली अभी भर गया है, पहले बहुत ज़्यादा खाली था, मिट्टी वगैरह सब कुछ। पहले ये बहुत गहरा हुआ करता था। इस खूबसूरत व्यू के साथ दो पंक्तियाँ सुनो मेरी। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुमसे बातें करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम मुझ में ही ठीक हो, तुम अकेले की ज़रूरत नहीं। तुम मुझ में हो तो हम हैं, तुमको ला तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा, और मेरा हमारा करने की जरूरत नहीं। अक्सर आप मुझे देखते होंगे ऐसे जंगलों में घूमते हुए और नेचर के करीब आते हुए। हाँ, मुझे नेचर से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है, और मुझे काफ़ी सुकून मिलता है ऐसे सारे प्लेसेस पे आके। जनजीवन से इतनी दूर है ये जगह, और यहाँ पे इन पत्तों के साथ प्लास्टिक, ऐसी जगहों पे ऑफ कोर्स जो लोग समझदार हैं वो आते हैं। हमारे जैसे जो भी लोग हैं वो कुछ भी ऐसे प्लास्टिक्स वगैरह रैपर्स लेके आते हैं तो वो अपने साथ ही लेके जाते हैं, किंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी जागरूक होने की आवश्यकता है। इसको इस खूंटे में बांध देते हैं और हम लोग चलते हैं ऊपर। वाओ, यहाँ से जो नज़ारा है वो काफ़ी बेहतरीन है। जंगल के बीच में हम ये लाइट हाउस के ऊपर हैं, और ऐसे में मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसे किसी आप जगह पे आएँ, ऐसे कहीं ऊपर वगैरह चढ़ जाएँ, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए और ख़ुद को मुझे एक बार एक्सपीरियंस करना था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ का एक्चुअली एक घटना भी है जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता, और उसके बाद काफ़ी दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा था। खैर, अभी यहाँ से जाने का वक्त आ गया, वो नीचे कुएँ कुएँ करके चिल्ला रहा है। कितना खूबसूरत है ना ये नज़ारा। अभी यहाँ से हम आराम से देख देख के नीचे उतरते हैं, वरना पैर इधर उधर पड़ा ना। यहाँ से कितना सारा खूबसूरत लग रहा है, इस पेड़ के ऊपर से जो भी फूल गिरे हुए हैं, है ना। ये फ्रेम कितना सही दिख रहा है ना। तू कुत्ता है, कुत्ता है तू, कुत्ता डॉग, तू डॉग है, तेरे को भाव ही नहीं दे रहा है ये तो। ए, मार मत, मार मत, मत, हट हट। यू आर अ डॉग, बैठ ना, बैठ, तू कुत्ता है। ये बेशरम है। दोनों। अच्छा, तुम दोनों। कल शाम मैं भारत के वीर शहीदों के बारे में पढ़ा था, उनके पूरे जीवनी की दर्शन करने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसे में 25 वीर शहीद जिनका भारत के आज़ादी के इतिहास में बहुत ही बड़ा नाम और कार्य है, उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया नहीं है। एक्चुअली बनाने की कोशिश करूंगा आज सुबह में, और मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वाले मेरे चैनल पर वो वीडियो आएगा इस वीडियो के साथ ही, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप उसे ज़रूर देखिएगा। खैर, यहाँ देखो किस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ, है ना, अमेजिंग सा ये प्लेस। इसके अंदर आके और हवाएं काफ़ी सही आ रही हैं इसमें बैठे बैठे, और ये रहा पीपल का पेड़। वापस से बचपन में हम काफ़ी डरा करते थे इन पेड़ों से, हमें लगता था कि यहाँ पे कुछ तो साया है।
और यहाँ गेट पे रखवाली कर रहा है ये बैठ के। ये रास्ते देखो, पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अपनी स्किन की, फेस की बहुत ज़्यादा केयर किया करता था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल सप्लाई किया करता था, लेकिन वक्त ने ढाया ऐसा हसीन सिस्टम कि अब ये सब कुछ मेरे जीवन में नहीं है। पता नहीं क्यों अब धीरे धीरे वक्त के साथ ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा बदलने लगी हैं और जीवन को देखने का नज़रिया भी बहुत ज़्यादा बदल गया। ये बहुत देर से बाहर है, अभी भी पतझड़ का मौसम आ गया है, लेकिन ये सारे पेड़ हैं अभी भी इनमें ठीक वैसी ही हरियाली है, और बाकी ये पहाड़ों पर जो पेड़ है ज़्यादातर इनके पूरे पत्ते झड़ चुके हैं। इतनी सारी एक्टिविटीज करके आओ और आपको पानी मिल जाए। मेरे मन में चल रहा था कि इस वीडियो को मैं घर पे जाके ख़त्म करूंगा, लेकिन फिर ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि एक काम करते हैं ना, घर पे क्यों, यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट सो एवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया, जय माता दी। और अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो सबसे पहली बात धन्यवाद।